बीती 23 को अयोध्या में प्रवीण तोगड़िया द्वारा राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी की घोषणा करने के बाद कार्यकर्ता जरूरत से ज्यादा जोश में आ गए। आज राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष संजय जाट और महानगर अध्यक्ष गोविंद पराशर ने संयुक्त रूप से पार्टी गठन की घोषणा पर आतिशबाजी और मिठाई वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बीच सड़क पर पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए और चलती सड़क पर वाहन रोककर उन्हें जबरन मिठाई बांटना शुरू कर दिए। जब जिला अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं, राम मंदिर बन जाए तो हम जम्मू कश्मीर में भी जाके सब कर देंगे। सही रहा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति थी कि उन्होंने मंदिर वंदिर तो बनाना नहीं है, केवल जुमलेबाजी करनी है और कोई ना कोई भगवान श्री राम के मंदिर भव्य निर्माण का नायक तो बनना ही था। तो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया को नायक बना दिया और उन्होंने नई पार्टी की घोषणा की है। उस पार्टी की घोषणा के उपलब्ध में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज सेंट जॉन चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए मिठाई का वितरण किया गया। देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है, भगवान श्री राम का नशा ही ऐसा होता है, भगवा का नशा ही ऐसा होता है कि भगवान के संकट मोचन हनुमान मंदिर के दरवाजे पर खड़े हैं कार्यकर्ता, तो उनका उत्साह होना तो लाजमी है। और जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो हम यहाँ चौराहे तो क्या, जम्मू कश्मीर के अंदर भी लड्डू और आतिशबाजी करेंगे। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।